नमस्कार, राष्ट्रवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं, और आज राष्ट्रवाद में जब बात करेंगे देश की, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक या साजिश का मुद्दा आगे बढ़ाएं। टाइम्स नाउ नव भारत पर इस पूरे मामले पर हम लगातार बड़ी कवरेज कर रहे हैं। हर खबर, हर डिटेल आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। आज आपके सामने एक एसपीजी की चिट्ठी लेकर आया हूं। एसपीजी जो कि प्रधानमंत्री को सुरक्षा देती है उनके क्लोज दायरे में, उसने 4 जनवरी को एक चिट्ठी लिखी, और यह चिट्ठी किसी लेटर बम से कम नहीं है, क्योंकि यह चिट्ठी पंजाब के डीजीपी को लिखी गई और इसमें यह कहा गया था कि प्रधानमंत्री मोदी को आतंकी संगठनों से खतरा है। कौन कौन से आतंकी संगठन बताए गए? इंडियन मुजाहिदीन का नाम आपने सुना ही होगा, उसका जिक्र था, लश्कर का जिक्र था, जैश का जिक्र था, हुजी का जिक्र था, और यह कहा गया कि इस तरीके के आतंकी संगठन, क्योंकि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, वहां खतरा हो सकता है, ये लोग आतंकी साजिश रच सकते हैं। इस चिट्ठी में बकायदा 48 घंटे पहले एसपीजी ने लिखकर पंजाब पुलिस को बता दिया। यह भी कहा गया कि पाकिस्तान में बैठे सिख आतंकी संगठन एक्टिव हैं, पंजाब चुनाव में वीवीआईपीज को निशाना बना सकते हैं, इसमें ड्रोन के जरिए आतंकी हमला हो सकता है, यह भी बकायदा बताया गया वहां पर इस चिट्ठी के जरिए। यहां तक लिखा गया कि पाकिस्तान से हथियार आ चुके हैं, आईईडी, टिफिन बॉम्ब, आरडीएक्स की तस्करी हो रही है। 2021 में 59 ड्रोन की एक्टिविटी पकड़ी गई थी। ठीक पीएम के दौरे से 48 घंटे पहले यह चिट्ठी जो है वो एसपीजी की तरफ से पंजाब डीजीपी को भेजी गई। उसके बावजूद, इस चिट्ठी में इस बात का जिक्र होने के बावजूद कि वहां पर किस तरीके से किसान प्रदर्शन भी कर सकते हैं और ये पूरे आतंकी संगठनों की नजर प्रधानमंत्री के इस दौरे पर हो सकती है, कोई बड़ा हमला हो सकता है, ये सारा थ्रेट समझाने के बावजूद पंजाब के डीजीपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लियरेंस क्यों दी, एसपीजी को क्लियरेंस क्यों दी सड़क के रास्ते जाने की, अगर उनको पता था कि वहां सड़क पर प्रदर्शनकारी पहुंच रहा है। इतना थ्रेट होने के बावजूद पंजाब की पुलिस प्रदर्शनकारियों को हटाने के बजाय उनके साथ चाय की चुस्कियां क्यों लगा रही थी? क्या यह सीधे सीधे प्रधानमंत्री की जान को खतरे में डालना नहीं है? क्या उन्हें एक बड़े खतरे की तरफ धकेलना नहीं है? और पिछले 3 दिन से आप देख लीजिए, पूरे देश में, दुनिया में पीएम की सुरक्षा को लेकर जो चूक हुई उस पर हंगामा मचा हुआ है। 130 करोड़ की आबादी और उसके प्रधानमंत्री इस तरीके से 20 मिनट तक एक पुल के ऊपर फंसे हुए हैं, जिनको इतनी सुरक्षा की थ्रेट है, और उस पर भी सियासत हो रही है। और वहां लोग कौन थे? उनमें से कई लोग यहीं दिल्ली में कहते थे ना, जब इंदिरा नहीं छोड़ी मोदी क्या छोड़ेंगे। मैं सारे प्रदर्शनकारियों को एक तराजू पर नहीं रख रहा, लेकिन जिन लोगों से खतरे की बात की गई उसमें कुछ लोग वहां तो होंगे। जो खालिस्तानी संगठन है वो एक्टिव नहीं होंगे क्या, अगर उनको पता है प्रधानमंत्री पंजाब पहुंच रहे हैं? बावजूद इसके बीते 3 दिन में क्या क्या कहा गया, एक बार उस पर नजर डाल लीजिए। देयरफॉर टू से कि यहां आपकी जान को खतरा है, ये एक स्वांग है, ये एक ड्रामा है, ये कहीं ना कहीं पंजाब, पंजाबियत, पंजाबी, पंजाब की सरकार और लोगों पर भरोसा जताया गया। पंजाब ही अगर कुछ बदनाम करने की कोशिश की गई है तो फैसला जड़ा है अंदर होगा। ये गलत राजनीति है। देश की छवि एक बहुत महत्वपूर्ण सूबे की छवि के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कोई अटैक वाली या प्रधानमंत्री जी नू खतरे वाली गल, सिक्योरिटी लैप्स वाली गल नहीं हुई है। परंतु जब भीड़ ना जुटा पाए रैली में तो बहाना बनाकर वहां की कांग्रेस की सरकार पर दोष मत मन। कुर्सियां खाली वहां देखने को मिली और प्रधानमंत्री जी ने अपनी नौटंकी का रोल शुरू किया, नरेंद्र मोदी जी ने वो नौटंकी का रोल शुरू किया।
ऐसी ऐसी बातें कही गई कि यकीन से परे कि ये सब कुछ ड्रामा था, रैली में भीड़ कम आई इसलिए ये सब हो गया, जबकि वहां प्रदर्शनकारी कौन थे ये बहुत साफ हो चुका है। मैं आज आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब भी ऐसा कुछ होता है कैसे एक बड़ा वर्ग जो है वो लग जाता है इस बात में कि मामले को गैर गंभीर बना दिया जाए। इससे पहले आपको याद होगा 15 जून 2004 को इशरत जहां एनकाउंटर हुआ था, उस पूरे मामले में अहमदाबाद के बाहरी इलाके में एटीएस का एक ऑपरेशन हुआ, 4 आतंकियों को मार गिराने का दावा किया गया, इस एनकाउंटर पर सवाल उठे, एसआईटी बनी, सीबीआई की निगरानी में जांच हुई, आखिरकार कोर्ट में यह साबित नहीं हो पाया कि इशरत जहां बेगुनाह थी, लेकिन जांच जब तक चलती रही जब तक आखिरी वर्डिक्ट नहीं आ गया 2004 से 2013 तक यही कहा जाता रहा कि इशरत जहां एनकाउंटर फेक था, एक मासूम लड़की को मार दिया, जबकि उस बार भी बताया यही गया था कि उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रची जा रही थी, लेकिन उसे पूरी नौटंकी बता दिया गया, फेक बता दिया गया, और आखिर में क्या सामने आया, सीबीआई कोर्ट ने कहा कि पुलिस वालों को छोड़ा जा रहा है और ऐसा एक भी साक्ष्य नहीं मिला कि इशरत जहां टेररिस्ट न हो यह साबित हो सके। यह इकलौता वाक्या नहीं है जब नरेंद्र मोदी की जान पर खतरा था और उस पूरे मामले को जो है वो ट्विस्ट किया गया, ट्विस्ट दिया गया। आपको याद दिलाता हूं 27 अक्टूबर 2013 की घटना, यह घटना नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी का इलेक्शन कैंपेन चल रहा था, पटना में गांधी मैदान है, बहुत बड़ा गांधी मैदान है, उसमें एक रैली चल रही थी, नरेंद्र मोदी मंच पर बोल रहे थे, अचानक एक के बाद एक धमाके होने लगे, हजारों लाखों की भीड़ थी, भगदड़ मच सकती थी, शायद नरेंद्र मोदी को लेकर कोई प्लान हो, कोई भगदड़ मच जाए, कोई तूफान आ जाए, इस तरीके का प्लान था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने बड़ी सूझबूझ दिखाई और पूरे मामले को हाथ से जाने नहीं दिया और भीड़ को संभाल लिया। तब भी यही कहा गया कि अरे ये तो इसी तरीके से बहाना बनाया जा रहा है, कौन थे लोग नहीं थे ये पता नहीं, हुआ नहीं हुआ ये पूछा गया, और आखिरकार क्या हुआ, बिहार के भागलपुर की तस्वीरें दिखाइए जरा, बाएं से दाएं देख लीजिए जो तस्वीर अब आपको दिखाने जा रहा हूं, इम्तियाज अंसारी उर्फ आलम, हैदर अली उर्फ अब्दुल्ला, उसके बाद मुजीबुल्ला अंसारी, इन तमाम लोगों को भागलपुर सेंट्रल जेल में 3-4 दिन पहले लाया गया है, क्यों, क्योंकि इनको फांसी होनी है। एनआईए कोर्ट ने माना कि पटना के गांधी मैदान में आतंकी साजिश, बड़ी आतंकी साजिश की प्लानिंग थी और मोदी की जान को भी खतरा था, लेकिन तब भी यही हुआ था, अरे सब नौटंकी है, हल्की सी बात को इतना बड़ा बना बताकर दिखा रहे हैं और पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं। दो घटनाएं मैंने आपके सामने रखी, कॉम्पिटिशन अच्छा है पॉलिटिक्स में, लेकिन देश के सामने जब ऐसे मुद्दे हों तो देश को एकजुट होना चाहिए, राजनीति में ऐसी जगहों पर भी राजनीति से कई बार उठकर संवाद करना चाहिए। इसलिए मैं आज राष्ट्रवाद में यह प्रश्न उठा रहा हूं कि अगर एसपीजी की चिट्ठी थी तो बावजूद उसके इस पूरे मामले को गैर गंभीर क्यों बताया जा रहा है, 48 घंटे के अलर्ट के बावजूद भी क्यों पंजाब सरकार सतर्क नहीं हुई, पीएम के रूट पर डेंजर है फिर भी काफिले को क्लियरेंस कैसे दिया गया, 70,000 कुर्सी पर 500 लोग थे तो पीएम को रैली में जाकर एक्सपोज होने देते ना, पंजाब सरकार विक्टिम कार्ड खेल रही है या बीजेपी राजनीति कर रही है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ रोहित चहल बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरुण पुरोहित कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और प्रेम कुमार पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप सभी का बहुत स्वागत है। वरुण भाई, टाइम्स नाउ नवभारत जो चिट्ठी दिखा रहा है एसपीजी की, उस चिट्ठी में साफ साफ 48 घंटे पहले एक एक थ्रेट बताया गया था, क्या कहां प्रदर्शन हो सकता है यह भी एसपीजी ने पंजाब के डीजीपी को बताया था, बावजूद इसके अगर पंजाब के डीजीपी को पता था कि वहां प्रदर्शन हो सकता है, हो रहा है और मुख्यमंत्री के इशारे पर चलना पड़ेगा जो कहते हैं हम तो नहीं उठाएंगे लाठियां किसानों के ऊपर प्रदर्शनकारियों के ऊपर,
तो प्रधानमंत्री को सड़क के रास्ते क्यों जाने दिया गया? उनकी जान को जानबूझ के खतरे में डाला गया क्या? मैटर में कई प्रश्न उठते हैं। जब आप कह रहे हो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पाकिस्तान बॉर्डर से दूर था प्रधानमंत्री जी का कैवलकेड, तो बीएसएफ को हमने अभी कुछ दिन पहले ही 50 किलोमीटर का वो दिया है, तो वो बीएसएफ कहाँ थी? सेंट्रल इंटेलिजेंस ने, भाई आप कह रहे हो डॉक्यूमेंट आपके पास आया है एसपीजी का, ये कैसे लीक हुए एसपीजी के डॉक्यूमेंट्स? और एसपीजी ने जब इतनी सूचना उनके पास थी, आतंकवादी भी हो सकते हैं, तो प्रधानमंत्री का दौरा ही क्यों करवाया? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही घोषणाएं हो जाती, 2 महीने बाद हो जाती, ये सब चीजें क्वेश्चनेबल हैं। रही बात चन्नी की, तो बार बार चन्नी जी को दोषी ठहराना मैं उचित नहीं मानता, जब तक कि प्रोब होकर के सारी चीज खुल के सामने नहीं आ जाती, किसी के ऊपर आरोप लगाना उचित नहीं है। लेकिन आप मुझे बताइए, एक 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 बहुत बड़ा प्रश्न है कि 20 मिनट तक अगर प्रधानमंत्री का कैवलकेड एक नो मैंस लैंड की जैसे वहां खड़ा है, तो इस पे प्रश्न चिन्ह तो उठेगा। मैं उसको काउंटर नहीं कर रहा हूं, बहुत बड़ी बात है, गंभीर बात है। ये 20 मिनट तक कैवलकेड किसी हमारे देश के प्रधानमंत्री का नो मैंस लैंड की जैसे खड़ा था, हम देख रहे हैं दिन भर चैनल्स पे। लेकिन आप जो बार बार ये बात हो रही है, अभी मेरे सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री, केंद्रीय मंत्रियों के बयान आ रहे हैं, साजिश थी। भाई आप सरकार चला रहे हो, केंद्र सरकार चला रहे हो, अगर आपको मालूम था साजिश थी तो आपने प्रधानमंत्री का दौरा ही क्यों नहीं दिया? और अगर आपको मालूम नहीं था ये होने से पहले की साजिश, बाद में पता लग रही है आपको, तो फिर आप कर क्या रहे हो केंद्र सरकार में? ऐसे बहुत से प्रश्न है जो इनसे पूछना चाहिए आपको। जी मैं इस प्रश्न का जवाब बीजेपी से ले लूंगा, लेकिन एसपीजी जब थ्रेट लेटर भेज रहे हैं तो उसमें ये तो सोच के नहीं भेजेगी कि वहां डीजीपी जो है वो ये जानते हुए कि वहां रास्ते में प्रदर्शनकारी मिल सकते हैं और पीएम के रूट को क्लियरेंस दे दिया जाएगा और पंजाब की पुलिस वहां बैठकर साथ में चाय पीती रहेगी। प्रदर्शनकारी बताएंगे कि उनको खुद पुलिस ने बताया कि ये पीएम का रूट लगा हुआ है, और आप कह रहे हैं कि बीएसएफ कहां थी, पीएम को तो निकलना ही नहीं चाहिए था अगर इतना थ्रेट था तो। नहीं, पीएम का तो आप देखिए, जब वो सी प्लेन में गए थे गुजरात में सिंगल इंजन में, जब वो उन्होंने उस साबरमती पे राइड की थी, जब भी एसपीजी की बात क्वेश्चन उठा था, तो मैं यही तो कहना चाह रहा हूं, मैं किसी को आरोपित नहीं करना चाह रहा हूं। जैसे बीजेपी, जब से आप देखिए बीजेपी, तो आते ही बीजेपी के नेता केंद्रीय मंत्री कांग्रेस खूनी, अरे भाई क्या ये नॉनसेंस शब्दों का इस्तेमाल करते हो दूसरी पार्टी के लिए? हम तो नहीं कर रहे आपके लिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं इन चीजों से सियासत नहीं करनी चाहिए। वरुण जी, मैं बीजेपी क्या कह रही है वो बीजेपी से पूछूंगा, मैं तो कांग्रेस में कह रहा हूं, कांग्रेस के लिए जो कह रही है बारे में आप दे रहा हूं, मैंने बीजेपी के लिए। सर, डीजीपी की जिम्मेदारी थी तो उन्होंने थ्रेट लेटर होने के बावजूद पीएम को क्यों जाने दिया उस रास्ते पर जहां पर वो बॉर्डर के पास जाके फंस जाएंगे? मैं कह रहा हूं, जब थ्रेट लेटर डीजीपी को आप मान रहे हो भाई डीजीपी गलती, तो एसपीजी गलती नहीं क्या? जब उनके पास थ्रेट लेटर था, ये डॉक्यूमेंट्स बाहर कैसे आ रहे हैं प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जो जुड़े हुए हैं एसपीजी के डॉक्यूमेंट्स? 2 दिन से देख रहा हूं कोई ये। अरे भाई, ये तो हमारा काम है पत्रकारों का, मैंने हमारी रिपोर्टर ने जो डीजीपी को लेटर दिया वो निकाला, अब आप कह रहे हैं ये बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग निकाला। आपका इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म तो सल्यूट करने लायक है, मीडिया की वजह से तो देश में लोकतंत्र जीवित है, थोड़ा बहुत जुडिशियरी ने बचा के रखा हुआ है। जुडिशियरी भी आप देखिए, केंद्र सरकार है हमारे पास चुनी हुई, राज्य सरकार चुनी हुई, पर जुडिशियरी डिसाइड करेगी क्या इस चीज को? ये भी एक प्रश्न है, हर बात जुडिशियरी के पास हम ले जाते हैं, ये हमारी कैसी राजनीति? रोहित चहल साहब, वरुण जी ने सब बता दिया, वो कह रहे बीएसएफ कहां थी, पीएम को थ्रेट था तो निकलना ही नहीं चाहिए था, पीएम फिर घर में ही बैठे रहे, वो वर्चुअल रैली कर ले, डीजीपी की जिम्मेदारी थी तो वो तय नहीं होनी चाहिए, एसपीजी कहां है, इस तरीके के प्रश्न वो पूछ रहे हैं। आपने क्यों विश्वास कर लिया अगर थ्रेट था? देखिए सुशांत जी, जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस समय समय पे चाहे सेना हो चाहे एसपीजी हो चाहे सब पे सवाल उठा दिया, अभी भी यहां पर बैठे उन्होंने के ऊपर सवाल उठा दिया। जिस प्रकार से हमने देखा एक ये कोई ये मात्र सहयोग नहीं था, ये एक प्रयोग था, प्रयोग जो कहीं ना कहीं दिल्ली से लगातार, जिस तरीके कांग्रेस की टॉप लीडरशिप, बिना कांग्रेस की टॉप लीडरशिप के नहीं हो सकता था, जिस तरीके से 130 करोड़ की जो भारत की जनता है उनका आशीर्वाद, प्रधानमंत्री उनके हैं और उनके आशीर्वाद से प्रधानमंत्री बने हैं, उन कांग्रेस को दिक्कत यही हो रही है कि इस प्रकार से मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं, लोगों की जनता की सेवा में लगे हुए हैं। वहां पर जा किस लिए रहे थे मोदी जी जा रहे थे वहां पर भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को के लिए, वहां पर 42,000 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत करने जा रहे थे, पंजाब की जनता के लिए करने जा रहे थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से गंदी घिनौनी, देखिए हम सब जानते हैं नफरत है मोदी जी से कांग्रेस पार्टी को, लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ कांग्रेस पार्टी जो खिलवाड़ कर रही है, प्रकार से पूरी साजिश रची गई, हत्या और एक वीडियो जो सामने आ रहा है, एक साथ रोहित चहल साहब ये कैसे पता कि ये कांग्रेस पार्टी कर रही है? ये डीजीपी की गलती हो सकती है,
कोई पुलिस पुलिस विभाग में कमी रह सकती है, ये कांग्रेस पार्टी कर रही है, आला कमान करवा रहा है, ये कैसे निष्कर्ष पर पहुंचे आप? सुशांत जी देखिए, अगर वहां पर मुख्यमंत्री अगर उस वहां पर मौजूद नहीं रहते, आपके वहां पर जो डीजीपी है डीजी है वो नहीं रहते, आपके जो बाकी लोग हैं वो नहीं अगर वहां मौजूद रहते तो क्या बताता है? आप मुख्यमंत्री अगर आप फोन नहीं उठाते तो क्या उसमें आप बताते हैं? मुख्यमंत्री क्यों नहीं रिस्पॉन्स देते? और फेक क्लियरेंस क्यों दी गई प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेके? खुद प्रदर्शनकारी बता रहे हैं कि पुलिस ने हमें जानकारी दी प्रधानमंत्री क्या ये रूट लगने वाला है, तो ये बिना किस ऊपर के टॉप लीडर के चिप के बिना जानकारी के बिना नहीं हो सकता। एक नफरत कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर प्रधानमंत्री जी को लेकर है, वो देश जानता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा का इतिहास में पहली बार इस तरीके की घटना घटी है। नहीं, अगर ये कांग्रेस पार्टी ने किया रोहित चहल, तो मकसद क्या था? पीएम पर हमला हो जाए? देखिए बिल्कुल ही साफ दिखाई देता है, 20 मिनट तक अगर पीएम की गाड़ी ऐसे खुले में खड़ी हुई है और कांग्रेस पार्टी के वहां की जो पुलिस प्रशासन है वो रिस्पांस नहीं दे रहा है, और जिस तरीके से लगातार फोन किए जा रहे, मुख्यमंत्री फोन नहीं उठा रहे, तो ये अपने आप में क्या बताता है कि पूरी साजिश थी? एक साल पुराना अगर आप वीडियो अगर आज जो चल रहा है काफी न्यूज चैनल्स पे, पूरा उसी तरीके से कि वो एक वीडियो आया था प्रधानमंत्री, अगर साजिश थी तो फिर वो हमला हुआ क्यों नहीं? मतलब ये तो एसपीजी और मैं तो कहूंगा कि भगवान की 100 करोड़ 30 करोड़ जनता का आशीर्वाद था कि प्रधानमंत्री जी बच गए, इन्होंने तो पूरी प्लानिंग कर रखी थी कांग्रेस ने हत्या कराने की। ये तो जनता का आशीर्वाद है, जनता का प्यार है देश की, जो आज प्रधानमंत्री जी सुरक्षित हैं, इनकी तो पूरी कोशिश ही थी प्रधानमंत्री जी को किस तरीके से उनका असैसिनेशन कराया, किस तरीके से। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अभी तक सारी जानकारी और जो एसपीजी की चिट्ठी है उसके बावजूद डीजीपी का प्रधानमंत्री को उस रास्ते पर भेजना, क्या ये पीएम को जानबूझकर एक खतरे में डालने जैसा है या एक चूक लगती है आपको? देखिए सुशांत जी, सबसे पहले तो एक मुझे लगता है कि अब जब अभी हम लोग बात कर रहे हैं और खास करके वो सारी चीजें सब सामने आ चुकी हैं, तो अगर हम इसको सिर्फ इतना भर कहें कि ये एक सामान्य चूक थी तो शायद ये ठीक नहीं होगा। क्यों ठीक नहीं होगा, उसकी दो तीन बड़ी वजहें मैं बताता हूं। सबसे बड़ी वजह तो ये कि जिस तरह से पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी प्रहसन मंडली बन गई है, बड़ा खतरनाक है ये, अगर देश की विपक्षी पार्टी प्रहसन मंडली बन जाए, और वो भी कब, जब प्रधानमंत्री के साथ सुरक्षा चूक होती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि एक स्टेज्ड ड्रामा करते हैं चरणजीत चन्नी जी, अब वो स्टेज्ड कितना जबरदस्त था वो सबने देख लिया है, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनसे उनकी मीटिंग फिक्स हो वो कहते हैं कि उन्हीं से मिल लेते हैं, अचानक वो प्रदर्शनकारी हो जाते हैं, 4-6-10 लोग मिलते हैं वो प्रदर्शनकारी हो जाते हैं। अब जिसका मकसद है वो मकसद उसी भीड़ में पूरा होगा, ऐसी भीड़ में पूरा होगा जो हमने घटनाक्रम देखा है अलग समय पर पिछले सवा साल में, जिस तरह की अराजकता किसान आंदोलन के बीच में हुई है, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ क्या क्या हुआ उसका अलग से विवरण देने की जरूरत नहीं। सिर्फ एक तो ध्यान में रखना चाहिए ना कि भाजपा के विधायक को निर्वस्त्र कर दिया गया था, और उसके अलावा क्या क्या हुआ ये कोई एक घटना नहीं है। गांवों में पत्थर चले हैं, लोगों को मारा गया है, घर पे गोबर फेंका गया है, परिवार की महिलाएं निकली तो उनके ऊपर फप्तियां कसी गई, जाने क्या क्या हुआ है। प्रधानमंत्री अगर वहां पहुंचे, चाहे वो भाजपा की रैली करने जाते, चाहे वो सरकारी कार्यक्रम में जाते, चाहे वो कुछ नहीं करने जाते, सामान्य शिष्टाचार भेंट करने जाते, चरणजीत सिंह चन्नी सरकार की जिम्मेदारी थी कि ये पूरी तरह से रूट सैनिटाइज होता, क्लियर होता। और जब पता था, जब ये भी चिट्ठी है कि इतने खतरे हैं, ये भी चिट्ठी है कि मौसम खराब है, ये भी चिट्ठी है कि अल्टरनेट रूट तैयार करके रखिए, कुछ नहीं तो शर्म करे बोलने से पहले, मनीष तिवारी को सुन ले, सुनील जाखड़ को सुन ले, अभिषेक मनु सिंघवी को सुन ले, क्योंकि दूसरा कोई भी बोलेगा तो उसको ये कहते हैं कि देखिए प्रधानमंत्री के लिए बैटिंग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के लिए किसी को बैटिंग करने की जरूरत है जो इतने प्रचंड बहुमत से जीत के आया है? मुझे लगता है ये जो कुछ अब हो रहा है, हर्षवर्धन जी, हर्षवर्धन जी, तो फिर ये कांग्रेस पार्टी ने करवाया क्या? देखिए ये मैं नहीं कह सकता, ये मैं क्यों नहीं कह सकता उसके पीछे समझिए, मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र के ऊपर अगर हमला होता हुआ दिखे, जैसे मैं ये क्यों कह रहा हूं, अगर एक राज्य सरकार में किसी एक पार्टी के लोगों को राजनीति तक नहीं करने दी जा रही है, फिर किसान आंदोलन के नाम पर कहा जाता है कि मोदी आके देखे उसको भगा देंगे, फिर इस तरह के वीडियो चलते हैं उस पर किसी पर सरकार ने कार्रवाई नहीं की, और मैं तो केंद्र सरकार को भी कहूंगा कि ऐसे वीडियोज पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और उस सब के बाद चलिए मान लिया कुछ भी हो गया, कांग्रेस इसमें शामिल नहीं थी, कोई उनकी मंशा नहीं थी, लेकिन प्रहसन की मंशा तो अवश्य थी। मैं ये नहीं कहूंगा कि सुरक्षा चूक में चन्नी जी शामिल रहे होंगे, लेकिन प्रहसन की मन
नहीं रही होती तो डीजीपी और मुख्य सचिव ये तो पहुंचते ना, चलो ठीक है हम 3-4 घंटे के लिए कोविड से थोड़ा सा डर गए थे चन्नी जी। प्रेम कुमार जी, आपके हिसाब से अभी तक जितनी चीजें आई हैं, क्या प्रधानमंत्री को जानबूझकर एक खतरे की तरफ धकेला गया? क्या डीजीपी को पता था इतना थ्रेट है, बावजूद उसके रूट सैनिटाइज नहीं किया गया और पंजाब पुलिस चाय पीती रही? देखिए सुशांत, कंक्लूसिव होने बोल रहे हैं जैसे हर्षवर्धन भी कंक्लूसिव हो जा रहे हैं। जांच चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्य और केंद्र की सरकार की जांच को रोका है। हम ये इतनी महत्वपूर्ण घटना को टैकल करने के लिए हमने क्या किया, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सुशांत जी। इतनी बड़ी चूक अगर है, तो प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले कौन रिएक्ट किए? प्रधानमंत्री जी रिएक्ट करते हैं। किस पर रिएक्ट करते हैं? मुख्यमंत्री पर करते हैं और इस भाषा में करते हैं मानो वही साजिश करता हो। ये इस घटना से भी महत्वपूर्ण घटना है सुशांत जी, कि देश के फेडरल स्ट्रक्चर में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पर सीधे सीधे साजिश का आरोप लगा रहे हैं। जांच तो हो गई उसी समय जब प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, जांच का तो इंतजार भी नहीं किया उन्होंने, फिर किस बात की जांच कमेटी, उन्होंने फैसला दे दिया, राजनीति वहीं से शुरू हो गई। अगर गंभीरता होती तो आप जांच कराती। पहले भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुए हैं, कई घटनाएं हुए हैं सुशांत जी, आपको याद होगा देवेंद्र फडणवीस जी सरकार की जब का शपथ ग्रहण हो रहा था, पैर छूने सेल्फी लेने के लिए चढ़ गया एक व्यक्ति और मोदी जी के साथ भी सेल्फी लिया और देवेंद्र फडणवीस जी के भी साथ सेल्फी लिया। इसके अलावा बंगाल में भी एक लड़का चढ़ करके दीक्षांत समारोह में उनके पैर छूने के लिए चला गया। और भी इवन नोएडा में आपको तो याद होगा कि ये प्रधानमंत्री जी की का काफिला अटक गया था वहां माया फ्लाई ओवर पर, 2 मिनट तक वो भटका रहा, भीड़ में फंसा रहा, ये सारी घटना ही। लेकिन कभी प्रधानमंत्री जी ने इस तरह से रिएक्ट नहीं किया, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को सीधे तौर पर बिना जांच के गुनाहगार ठहरा दिया गया हो, ये सबसे महत्वपूर्ण। प्रेम कुमार जी मुझे ये बताइए, प्रेम कुमार जी अभी 28 दिसंबर की घटना है उत्तर प्रदेश की, प्रधानमंत्री कानपुर गए हुए थे, वहां भी मौसम खराब हुआ और मौसम खराब हुआ तो बाई रोड गए, लेकिन कहीं गाड़ी नहीं फंसी, कहीं जाम नहीं लगा, कहीं उनको इंतजार नहीं करना पड़ा और पूरा रूट जो है वो सैनिटाइज करके उनको निकाला गया और कई जगह गए वो, मेट्रो में भी चढ़े और फिर बाई रोड वापस लौटे। तो क्या प्रधानमंत्री जब जानते हैं, पहली बार तो बाहर निकले नहीं है कि उनको पता नहीं है किसकी जिम्मेदारी है, तो उनको क्या कहना चाहिए था और बताइए? वो तो मुख्यमंत्री को क्या बोले कि धन्यवाद ना करें कि ये क्या हुआ? आप ये मानते हैं सुशांत जी कि वो सामान्य धन्यवाद की भाषा है? तब तो मैं आपके साथ हूं, बिल्कुल साथ हूं जी। जब घटना ही सामान्य नहीं है सर, तो धन्यवाद की भाषा कैसे सामान्य होगी? निश्चित रूप से आप कह रहे हैं ना, तो प्रधानमंत्री क्या मुख्यमंत्री से सार्वजनिक वो भी इस तरीके से संवाद करके और सार्वजनिक डोमेन में छोड़ करके ये बहस क्रिएट कराना चाहते हैं कि जांच कराना चाहते? अगर आप में गंभीरता होती, घटना की जांच कराना चाहते। नहीं नहीं, एक मिनट सर, प्रधानमंत्री ने कहीं बाइट तो नहीं दी? प्रधानमंत्री ने एक अधिकारी से कहा, अपने मुख्यमंत्री से कहना कि धन्यवाद मैं जिंदा वापस आ गया। अमूमन आप भी जानते हैं, पत्रकार पूछते ही हैं क्या बात हुई नहीं हुई, अगर वो बात बाहर आ गई तो इसमें भी दोष प्रधानमंत्री का, मतलब हर चीज घूमकर प्रधानमंत्री पर आएगी सर। देखिए अगर हम चलिए आपके हिसाब से हम इनको इनोसेंट करा दिए, प्रधानमंत्री जी के बोलने के बाद क्या उसी हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने रिएक्ट नहीं किया? क्या नहीं कहा कांग्रेस को खूनी है या चरणजीत पर हमला? अरे सर नहीं बोला, भारतीय जनता पार्टी सर, कांग्रेस के नेता लिखने लगे, हाउस द जोश, कांग्रेस के नेता लिखने लगे कि आपको तो चौराहे पर ढूंढा जा रहा था, मोदी तो बचकर वापस चले गए, इस तरीके की भाषाएं लिखी गई सर। कांग्रेस पार्टी ने लोगों को सवाल पूछने का मौका दिया, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने लिखा, उसका क्लेरिफिकेशन दे दिया, मेरे पास व्हाट्सएप किया उसी से, उसने मैं आपको दिखा सकता हूँ और इसी सब चेक करूंगी। लेकिन ये बात समझ लीजिए, इस पूरे विमर्श को आप देख सकते हो श्रीनिवास का ट्वीट। नहीं नहीं सुशांत जी, प्रधानमंत्री 30 सेकंड दीजिएगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्या ये प्राइम मिनिस्टर ने जो उधर अधिकारी को एयरपोर्ट पर कह दिया उससे पॉलिटिक्स शुरू हुई क्या हर्षवर्धन त्रिपाठी जी? बिल्कुल। देखिए प्रेम भाई शांत हो जाए तो मैं बोलूं। बिल्कुल नहीं सर,
उसको मत बिल्कुल नहीं भाई, जो चन्नी साहब कहकर गए कि मैं पीएम को रिसीव करने नहीं गया क्योंकि मुझे मेरे किसी करीबी को कोरोना हो गया है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिना मास्क के बैठे रहे, इंटरव्यू घूम घूम कर दे रहे हैं बिना मास्क के, पॉलिटिक्स की शुरुआत वहां हो चुकी थी सर। ये दूसरा पहलू है, बहुत सारे लोग बिना मास्क प्रधानमंत्री कितनी बार मास्क नहीं, दूसरा कैसे है मुख्यमंत्री क्यों नहीं गए, डीजीपी सर डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी की गाड़ी थी वो भी नहीं गए, क्यों नहीं गए? इस बात का जवाब वो देंगे हम या कोई तीसरा व्यक्ति नहीं देगा, लेकिन जवाब है। अरे वाह, इसका जवाब वो देंगे लेकिन पॉलिटिक्स नरेंद्र मोदी ने शुरू किया ये आप बताएंगे? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, देखिए सुशांत जी एक बात समझिए, ये बहुत पीड़ा कांग्रेस को दे रहा है और जो भी जिनको ये लगता था कि ये सवा साल का ये जो पूरा एक, मैं तो इसको अराजक आंदोलन ही कहता हूं, उसमें ढेर सारे किसान फंसे हुए थे इसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं है, लेकिन एक राज्य में, और देखिए जब राजनीति शुरू करने की बात करते हैं तो आप सोचिए कि एक राज्य में एक पार्टी को लोकतांत्रिक तौर पर अपनी बात रखने का हक नहीं दे रहे हैं। और ये ठीक उसी तरह से दिल्ली में बैठे हुए लोग जो बुद्धिजीवी विमर्श बनाने की बात करते हैं या करते हैं वो हंस रहे हैं, बड़ा अच्छा हुआ भाजपा वाले पीट रहे हैं, अरे यार मजा आ गया। और ऐसे तरीके से बात करने वाले लोग, ऐसे तरीके से राजनीति करने वाले, अरे आप लोग क्यों नाराज हो गए? आपकी भी चर्चा भी यही सब होता है जो मैं बोल रहा हूँ क्या? उसकी बात नहीं कर, आप लोगों को तो नहीं रिएक्ट कर रहे, देखिए क्यों ऐसे आप रिएक्ट कर रहे, ये उस तरह से आप दोनों क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? मैं तो बात कर रहा हूं, किसको करने नहीं दी जा रही भाई? मैं कहता रहा हूं कि आप लोग क्यों रिएक्ट कर रहे हैं एक एक करके, वरुण जी प्रेम जी एक एक करके सर, एक एक करके सर, एक एक करके वरुण जी मैं आपके पास आ रहा हूं आपके पास भी आ रहा हूं, वरुण जी आपके पास भी आ रहा हूं, एक एक जी, हर्षवर्धन जी आप छोटे में कंप्लीट। देखिए जो मैंने कहा और वो सामने आ गया, क्या कह रहे हैं कांग्रेस के नेता? पहली बात तो इन दोनों में से किसी का नाम नहीं हुआ, प्रेम जी भी क्यों उत्तेजित हो गए मुझको पता नहीं, लेकिन कांग्रेस नेता कह रहे हैं प्रियंका जी को आपने जाने नहीं दिया, प्रियंका जी के पॉलिटिकल प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से जुड़ेंगे, आपने कहा अपोजिशन को नेतागिरी जाने नहीं दिया, मतलब ये उत्तर प्रदेश में सीधे तौर पर सिक्योरिटी लैप्स करेंगे, आप किसी भी लड़की को व्यवहार हो गया डिटेंशन में रख सकते हो, इस तरह ही तरीके से राजनीति की जाएगी। ये वरुण जी प्रियंका गांधी को रोकना बार बार कह रहे हैं कि प्रियंका को नहीं जाने दिया, कांग्रेस के नेताओं के दिमाग में हो सकता है राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर हो, कांग्रेस के नेताओं के दिमाग में हो सकता है प्रियंका वाड्रा प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन वो है नहीं, सच्चाई है कि वो है नहीं। मैंने ये नहीं कहा कंपैरिजन, आप प्राइम मिनिस्टर के लिए क्या प्रोटोकॉल होगा, क्या सुरक्षा मिलेगी, उससे आप नहीं कर सकते सर, आप उससे नहीं कर सकते। बीजेपी के नेताओं के साथ बंगाल में क्या हुआ उसका कंपैरिजन ममता बनर्जी उनके साथ क्या होता है उससे नहीं होगा सर। नहीं नहीं सुशांत जी कह रहे हैं कि हमने बात कह रहे हैं इनडायरेक्टली, तो ये कह रहे हैं कांग्रेस नेता यही कह रहे हैं कि हमारे पास जाने दी जा रही है, हम ऐसे ही रोकेंगे, इसी स्तरहीन तरीके से रोकेंगे। रोहित चहल को सुनना चाहिए, रोहित चहल जो आरोप लग रहा है वो ये लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने पॉलिटिक्स शुरू कर दी। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात मैं प्रेम जी पर सुन रहा था, मुझे लगता है देश जानता है जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने पूरी साजिश रची प्रधानमंत्री जी के खिलाफ एक हत्या की, और आपके चैनल पे भी वीडियो भी चल रही है, एक साल पहले इंटरनेट पे वीडियो अपलोड हुई थी इसी तर्ज पे पूरा, आप देख रहे हैं किस तरीके से ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी को वहां पर घेरा जाए, किस तरीके से उनके ऊपर हमला किया जाए, ये पूरी एक साजिश थी। आज साजिश वो एक साल पुराना वीडियो आज पूरा लाइव आप देख रहे हैं जिस प्रकार से पूरे साजिश के वहां पर। महत्वपूर्ण विषय था सीएम क्यों नहीं थे वहां पर, क्यों वहां पर डीजी नहीं थे, क्यों वहां पर चीफ सेक्रेटरी नहीं थे, ये अपने आप में बताता है कि पूरा एक प्लान था, पूरा एक षड्यंत्र गांधी परिवार के द्वारा किया गया था, क्योंकि इनका जो मुंगेरी लाल का सीन सपना, राहुल गांधी कहां थे, कौन से सीक्रेट ट्रिप पे थे, सिद्धू कहते हैं सीक्रेट मिशन पे गए राहुल गांधी, क्या अपने आकाओं से पाकिस्तानी या चीनी आकाओं से मिलने गए थे, और मणिशंकर अय्यर जाके भीख मांगते हैं पाकिस्तान में जाकर कि भैया मोदी जी को हटाने में हमारी मदद करो, अरे आपके नेता मणिशंकर अय्यर जाके पाकिस्तान में अपने हाथ जोड़ के भीख मांगते हैं कटोरा लेके कि भैया गांधी में बोलो, अपने आप में बताता है ये साजिश थी, वरुण जी कोई सहयोग नहीं था। ठीक है वरुण जी, प्रश्न ये है, प्रश्न ये है कि आप लोग खुद आकर टेलीविजन डिबेट में ये कह देते हैं कि हाँ बड़ा गंभीर प्रश्न है, ये नहीं होना चाहिए था। सोनिया गांधी भी कहती हैं, चन्नी साहब से रिपोर्ट लेती हैं कि भाई ये क्यों हो गया,
ये कांग्रेस पार्टी का एक रुख दिखता है। मनीष तिवारी कहते हैं भाई आप पीएम जहां थे वहां से बॉर्डर नजदीक था। एक मिनट सर, वरुण जी लेकिन ये बताइए कि आपके दूसरी तरफ जो नेता कह रहे हैं सुरजेवाला कह रहे हैं अरे कुछ हुआ थोड़ी, अभी कोई हमला थोड़ी हुआ था। आपके दूसरे नेता जो हैं वो ट्वीट कर रहे हैं कि भाई इनको तो चौराहे पे ढूंढा जाना था, ये तो वापस चले गए। तो सवाल उठेगा कांग्रेस पार्टी के रिएक्शन पर। सबसे पहले तो आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी, अरे भाई मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप चलो आप बोलो किस तरीके से आपकी नफरत है जो गांधी परिवार के लिए सारे चैनल में आप दिखाते हो और बात कर रहे हो कांग्रेस की, कांग्रेस नफरत करती है मोदी जी से, आप नफरत करते हो गांधी परिवार से, आप नफरत करते हो गांधी परिवार से, 7.5 साल हो गए सोनिया गांधी जी एक कितनी उम्र की है, आप उनके लिए भी शब्दों का प्रयोग करते हो, मोदी जी के लिए शब्दों का प्रयोग, आप गांधी परिवार से नफरत करते हो, आपको पता है गांधी परिवार से अस्तित्व चले गए जब ये आप सरकार में रह सकते हो, आप मोदी जी के आने के बाद कितने राज्य आपके चले गए, कांग्रेस के विधायक तोड़ तोड़ के सरकार में रहते हो, कांग्रेस के आदमी क्यों लेते हो, कांग्रेस के आदमी क्यों लेते हो, अपने आदमी उनके विधायक बनाते हो, कांग्रेस के आदमी बुरे हैं तो कांग्रेस के इंपोर्ट करके क्यों सरकार बनाते हो, कांग्रेस के आदमी इंपोर्ट करके क्यों सरकार बनाते हो, आपके कार्यकर्ताओं में दम नहीं है, एक एक करके रोहित जी एक एक करके, रोहित जी कुछ बात ना समझ में आ रही है ना सुनाई दे रही है, रोहित जी एक एक करके, वरुण जी बोलिए, सबसे बड़ी गलती वरुण जी बोलिए, वरुण जी बोलिए जवाब, कितनी नफरत करते हो उल्टा दूसरों को आरोप लगाते हो, सबसे ज्यादा कोई भी आपका प्रवक्ता, कोई नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी का नाम नहीं जारी करता है, इसलिए दर्शाता है कि आप कितनी नफरत गांधी परिवार से करते हो। प्रधानमंत्री के साथ अगर ये घटना घटी, कुछ कांग्रेस के नेता अगर कह रहे हैं कि ये गलत हुआ तो बाकी लोग इसमें मदद क्यों ढूंढ रहे हैं। तीन दिन से आप मेरे हर डिबेट को देख लीजिए, मैंने कहा गलत हुआ प्रधानमंत्री के साथ जो हुआ वो अलग लेवल है, इस लेवल पर ये अलग लेवल है। सोनिया गांधी जी के लिए अच्छा एक मिनट रोहित जी एक मिनट रुकिए, रोहित भाई एक मिनट रुकिए, ऐसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, एक मिनट सर आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रुक जाइए एक मिनट। वरुण पुरोहित जी ये बताइए, आप कह रहे हैं आप तीन दिन से हर डिबेट में कह रहे हैं ये गलत हुआ, सोनिया गांधी ने भी चन्नी साहब से रिपोर्ट मांग ली, चन्नी साहब अलग चैनल्स पर जाकर ये जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं कि अगर रोक ही लिया तो क्या बड़ी बात हो गई। मैं तो देखिए मुझे भी रोक लो, लोग जो है वो रोक लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, चन्नी साहब क्यों नहीं कह सकते कि ये गलत हुआ और वो जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं। देखिए वो मुख्यमंत्री लोकतांत्रिक तरीके की सरकार चुनी हुई के मुख्यमंत्री हैं, जैसे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर मुख्यमंत्री कोई मुख्यमंत्री अगर कोई वक्तव्य दे रहा है उस पर विश्वास करना पड़ेगा आपको, हम क्यों स्मृति ईरानी पर विश्वास करें भाई, मेरे मुख्यमंत्री पर तो विश्वास करो, स्मृति ईरानी के बयान पर विश्वास करोगे आप? आप जांच होने दीजिए, जांच का इंतजार कैसे नहीं कर रहे हो आप दो दिन से, आप तो तुरंत चालू हो गए, आपको खुद के आपके मंत्री, आप केंद्र सरकार चला रहे हो, तमाशा कर रहे हो, आपको अगर साजिश पता थी कांग्रेस की साजिश, कांग्रेस के दफ्तर में छापे मारो, पकड़ो किसी ने साजिश की है तो, आपको पहले से मुंगेरी लाल तो आप लोग हो, आपको सपने आ रहे हैं कांग्रेस की साजिश थी, कांग्रेस का षड्यंत्र था, आपके केंद्रीय मंत्रियों को पता था, फिर आप प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक तो आप कर रहे हो, आप प्रधानमंत्री के नाम को फायदा ले रहे हो, स्वार्थ लो, अगर मोदी जी पे अगर कोई हमला होता है तो आप चुनावी फायदा आप लेना चाहते हो, आपके केंद्र के गृह मंत्री, आपके गजेंद्र सिंह जी शेखावत, आपके सारे मंत्री जो बयान दे रहे हैं वो केंद्र सरकार में, केंद्र सरकार चला रहे हो, तमाशा कर रहे हो, आपको पता नहीं फिर साजिश है, आपको पहले से पता नहीं थी साजिश है। वरुण जी और रोहित जी आप दोनों जो बोल रहे हैं कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मैं दोनों का ऑडियो कम करा दे रहा हूं, मैं माफी चाह रहा हूं, मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, आप दोनों की आवाज ना सुनाई दे रही है ना समझ में आ रही है। प्रेम कुमार जी मुझे ये बताइए, बीजेपी कहे कांग्रेस पॉलिटिक्स कर रही है, कांग्रेस कहे बीजेपी पॉलिटिक्स कर रही है, हम बतौर नागरिक मैं ये पूछ रहा हूं कि भाई ये देश के प्रधानमंत्री के साथ अगर हो रहा है और अगर सोनिया गांधी चन्नी साहब से पूछ रही है कि भाई ये क्यों हो गया रिपोर्ट बना के दीजिए, और चन्नी साहब पहले पीएम को रिसीव करने ना जाएं ये कहकर कि भाई अरे कोरोना फैला हुआ है और मेरे आसपास किसी को कोरोना हो गया, फिर पीसी करें इंटरव्यू दें, और दूसरी तरफ इंटरव्यूज देते वक्त ये जस्टिफाई करें कि अरे ये तो लोकतंत्र में हो जाता है कोई बड़ी बात नहीं, तो ये दो स्टैंड क्यों है, एक स्टैंड पे रहिए या तो कहिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है,
सोनिया गांधी को पलट कर कह दे चन्नी साहब की मैं कोई रिपोर्ट नहीं दूंगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लोकतंत्र में होता है, कह सकते हैं क्या ऐसा? वो नहीं सुशांत जी, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी को भी उनसे रिपोर्ट मांगने का अधिकार है कि एक्चुअल क्या है, साइट क्या है, जानकारी लेने का अधिकार है, और प्रधानमंत्री को, गृह मंत्रालय को भी अधिकार है कि ऐसी घटना क्यों घटी उस पर वो रिएक्शन ले। ये चीजें होनी चाहिए, प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए। मैं क्रियाओं प्रतिक्रियाओं पर नहीं जाता, मैं एक घटना याद दिलाता हूँ, 2009 में प्रधानमंत्री के मनमोहन सिंह उन पर जूता फेंका गया था अहमदाबाद में, वो उस समय भी ऐसा नहीं था। सर मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा की चूक मामले में एक FIR दर्ज हो गई है, इस वक्त बड़ी खबर, PM की सुरक्षा में सेंध मामले में FIR दर्ज हो गई है, ये जानकारी मिल रही है, सड़क ब्लॉक करने को लेकर ये FIR दर्ज हुई। PM की सुरक्षा में जो चूक हुई उस मामले में ये पहली FIR जो है वो दर्ज की गई है, सड़क ब्लॉक जो की गई थी जिसकी वजह से PM का काफिला आगे बढ़ नहीं पाया, उस मामले में अब एक FIR के दर्ज होने की जानकारी मिल रही है। तो अब इस पूरे मामले में जांच जो चल रही थी, पहले राज्य सरकार की, फिर गृह मंत्रालय की, फिर सुप्रीम कोर्ट का दखल होता है, और अब जानकारी ये मिल रही है कि इस पूरे मामले में एक FIR दर्ज हुई है, और उस FIR की कॉपी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। फिरोजपुर का कुलगढ़ी थाना जहां पर यह मामला दर्ज किया गया है, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, फिरोजपुर के कुलगढ़ी थाने में एक केस दर्ज कर लिया गया है, प्रधानमंत्री के काफिले को जिस भीड़ में ने रोका, वहां जो घटना हुई उस मामले में यह पहली FIR दर्ज की गई है, सड़क ब्लॉक करने को लेकर। ठीक है प्रेम कुमार जी, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं कह रहा था कि पहले भी प्रधानमंत्री के साथ ऐसी घटना घटी, जूता फेंका गया मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के, अहमदाबाद की घटना है, हालांकि उस घटना में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि उस पर FIR मत करो, माफ करता हूँ, ये एक रिएक्शन वैसा भी था। और ये पंजाब की जो घटना है इसमें हैपनिंग हुई नहीं, हो सकती थी, और जो जैसे जिस FIR का आप जिक्र कर रहे हैं, ये FIR पूरे प्रदेश में पहले से तय किसान आंदोलन का जो आंदोलन था उसके तहत ये घटना घटी थी, ये सड़क ब्लॉक करने का FIR। सर मुझे एक बात बताइए सर, FIR नहीं है। प्रेम कुमार जी मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ, आप कह रहे हैं PM पर एक जूता पहले भी फेंका जा चुका था, उस वक्त भी कुछ हुआ था क्या? उस मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए उस दिन PM के काफिले पर हमला हो जाता, क्या आप बैठकर जस्टिफाई करते हैं कि इस देश में तो दो दो प्रधानमंत्रियों पर हमला हुआ, उनकी जान चली गई? नहीं होता ना सर, जो गलत है वो गलत है, पहले गलत हुआ तो आप थोड़ी, जो वो गलत होगा तो सही हो जाएगा। इसलिए मैंने सुशांत जी कहा कि इस घटना की गंभीरता की जांच होना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जांच से पहले एक प्रदर्शन देखना महत्वपूर्ण है, राजनीति करना महत्वपूर्ण है। मैं आपके डिबेट को लाना चाहता हूँ, मतलब इसे जांच करिए ना। मैं फिर आपको रोक रहा हूँ, हमारे साथ गुरप्रीत चिन्ना हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, जो FIR दर्ज हुई है उस पर जानकारी के साथ। गुरप्रीत, ये FIR कब दर्ज हुई, इसकी डिटेल्स दीजिए थोड़ा इसमें, और किस किस का नाम भी शामिल किया गया है क्या? हेलो हेलो हेलो, गुरप्रीत आवाज आ रही है आपको? हेलो गुरप्रीत को आवाज नहीं जा रही, एक बार फिर उनके पास चलेंगे। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जो पहले हो गया, और ये तो ऐसे भी हुआ, मैंने कांग्रेस के एक नेता का बयान ये भी ट्विटर पर देखा कि किस तरीके से जो है पहले के जमाने में राजीव गांधी जी के खिलाफ कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया तो वो उनसे मिल लेते थे और किस तरीके से उनको बुलाकर बात कर लेते थे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आज राजीव गांधी जी नहीं है ना, उसी चीज का लोगों ने फायदा उठाया ना कि वो प्यार से मिल लेंगे और फिर क्या हुआ? तो क्या हम देश के प्रधानमंत्रियों को ये कहकर खोते रहे कि अरे ये तो पहले होता था? सुशांत जी बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु आपने उठाया है, इसको थोड़ा सा मैं विस्तार देता हूं
और जिससे कि दर्शकों को आसानी समझ में आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं, ऐसा नहीं कि वो लोगों से मिलते नहीं है, गणतंत्र दिवस की परेड के कार्यक्रम से लेकर सामान्य कार्यक्रमों में जाते हैं। आईआईटी के दीक्षांत समारोह में थे, उस कमरे में चले गए जहां उनको जाना ही नहीं था। लेकिन जो सुरक्षा के जानकार हैं, जिन लोगों को पता है कि सुरक्षा का मतलब क्या होता है, वो किसी रूट से प्रधानमंत्री के अचानक जाने को और उस रूट को ब्लॉक कर देना और वहां पर एक फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री का काफिला 20 मिनट तक फंसा रहे, उसकी तुलना करेंगे कहीं जूता फेंक दिया गया था कहीं कुछ, तो बहुत विचित्र लगता है। ये विचित्रता और बढ़ जाती है जब राज्य का मुख्यमंत्री प्रहसन के अंदाज में स्वांग कर रहा हो, जो बार बार कह रहा हो कि देखिए ऐसे तो हम बड़े प्यार से करते हैं, इसका मजाक बनाने की कोशिश हो रही है। जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं, जो सिक्योरिटी स्ट्रक्चर्स हैं, जो जिसको कहते हैं ना कि एक जगह से दूसरी जगह, देखिए मेरे पास वक्त इतना ही था, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि ये बड़ी खराब घटना है। इस पर सियासत कौन कर रहा है, जिम्मेदारी किसकी है, किसकी गलती है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस बड़ी घटना को लेकर, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई, इसको लेकर हमने एक ओपिनियन पोल किया है जो रात 8 बजे से 10 बजे तक आज आप टाइम्स नाउ नवभारत पर देख पाएंगे। एक एक प्रश्न जो आपके मन में चल रहा है कि गलती किसकी थी, किसने किया, जानबूझकर किया, बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, कांग्रेस का है, हर एक प्रश्न हमने पब्लिक के सामने रखा है। और ये पहली बार रात 8 बजे आज आप देखेंगे टाइम्स नाउ नवभारत पर कि इस इतनी बड़ी खबर पर देश क्या सोच रहा है, देश का मैंडेट क्या है, इन सवालों को लेकर जो परसेप्शन बन रहा है उसको लेकर, और देश के अलग अलग हिस्से में, यूपी में, पंजाब में लोग क्या कह रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे। तो रात 8 बजे हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। अभी फिलहाल सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया आज चर्चा में जुड़ने के लिए।